हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत, आओ सुनते हैं गाड़ गदिनों के सुरीले गीत, आओ सुनते हैं गाड़। दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी आपने जो टाइटल सॉन्ग सुना वह मेरा ही लिखा है और पर्यावरण को समर्पित है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यह आपके लिए दोबारा पेश किया है। यह इसी चैनल में है और आप इसे अवश्य सुनिए। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं, तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आज उस व्यक्ति को लेकर जानकारी दे रहा हूं जिसका कुल्हाड़ा क्रूरता से वर्षों तक उत्तराखंड के देवदार के हजारों पेड़ों पर चलता रहा। वह अपनी बंदूक से वहां के कस्तूरी मृग, मोनाल पक्षी, भरल, काखर, हिरण समेत जो भी पशु पक्षी सामने आते उसे बेरहमी से मारता रहा। उनका मोह मांस खा जाता था और खाल तथा फर को बेच डालता था। वह उत्तराखंड के कठिन व दुर्गम जंगलों का अंधाधुंध दोहन करने वाला पहला फिरंगी था। इस गोरख धंधे से उसने अकूत संपत्ति कमाई और उस क्षेत्र का ताकतवर व्यक्ति बन गया। लोग उसे राजा हुलसिंह तक भी कहने लगे थे। हुलसिंह ने अपना सिक्का भी चला दिया था और हुलसिंह का मसूरी का चार्ली विला होटल ही आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है और जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के ट्रेनी अफसर ट्रेनिंग लेते हैं। हुलसिंह के पैसे का इतना प्रभाव था कि तब के टेहरी का राजा भी उसे कुछ नहीं बोल पाता था। जी हाँ, मैं उस बात कर रहा हूं। उसने उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हरसिल में देवदार के पेड़ों की लकड़ी और कस्तूरी मृगों की छाल से अकूत पैसा कमाया। प्रसिद्ध लेखक रुपयार्ड कपलिंग ने तभी लिखा था कि विल्सन ने एक ऐसा जीवन जिया जिससे राजा महाराजाओं को भी ईर्ष्या होती। कपलिंग की रचना द मैन हु विल बी किंग विल्सन की जिंदगी पर ही लिखा गया है। लंदन के समाचार पत्र द संडे और टेलीग्राफ के संवाददाता रहे रॉबर्ट हटसन ने भी विल्सन को लेकर राजा ऑफ हर्सिल उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास में कहा गया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के एक भगोड़े की यह कहानी है जिसने हिमालय की लकड़ी का व्यापार शुरू किया और भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया था। रॉबर्ट लिखते हैं कि उन्होंने पहली बार विल्सन के बारे में सुंदरलाल बहुगुणा से सुना था। जब दोनों ने 1987 में टेहरी गढ़वाल क्षेत्र में एक साथ 10 दिनों की यात्रा की थी, तब बहुगुणा ने रॉबर्ट से कहा था कि विल्सन शैतान था जिसने यह हिमालय क्षेत्र में लकड़ी का वाणिज्यिक कारोबार किया था। बहुगुणा ने यह भी कहा था कि विल्सन ऊपरी तांगनौर का राजा बन सकता था। रॉबर्ट लिखते हैं कि विल्सन ब्रिटिश इंडिया से एक भगोड़ा था। तो दोस्तों, अब विल्सन पर आते हैं। जैसा कि रॉबर्ट ने कहा कि विल्सन अंग्रेजों की फौज का एक भगोड़ा था। सन 1842 में प्रथम अफगान युद्ध में दोस्त मोहम्मद के बेटे अमीर शेर अली के हाथों हुई अंग्रेजों की करारी हार के बाद वह सेना से भाग गया था। वह टेहरी नरेश के यहाँ शरण लेने के लाया, लेकिन अंग्रेजों का वफादार होने के कारण टेहरी नरेश ने पनाह नहीं दी। वह छुपने के लिए हिमालय के भीती भागों की ओर चला गया। गंगोत्री से 13 किलोमीटर पहले मुखवा गांव में एक बादगी समुदाय के मंगतूराज दास ने उसे आश्रय दे दिया था। इस तरह 1850 में फ्रेडरिक विल्सन कलकत्ता से अंग्रेजी फौज की नौकरी छोड़ मसूरी के रास्ते हर्सिल पहुंच गया। वहां की खूबसूरती से वह इतना प्रभावित हुआ कि वहीं बस गया। हिमालय के विषयों के लेखक रोमेश वेदी ने पत्रिका गांधी मार्ग में एक लेख लिखा था और वह था एक फिरंगी राजा। इस लेख के अनुसार इस पहाड़ी गांव मुखवाग में पहुंचे लंबे चौड़े डील डॉलर फिरंगी को देखकर पहले तो वहां के स्थानीय लोग काफी खौफ खाने लगे थे। महिलाएं और बच्चों के बीच इस बंदूकधारी विल्सन का इतना खौफ था कि उसे देखकर लोग अपना रास्ता बदल देते थे।
लेकिन बाद में वह लोगों के बीच घुल मिल गया और हुलसिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसने गढ़वाली भी सीख ली थी। मुखा गांव उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जिले में भगीरथी नदी के किनारे हैं। इस गांव में गंगोत्री के पंडे यानी गंगा जी के पुजारी रहते हैं और श्रद्धा शुरू होने पर मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब गंगा माँ की प्रतिमा को मुखवा में लाकर प्रतिष्ठित किया जाता है। हर्षिल भी इसी क्षेत्र में उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित है, जो कि आज मनोरम पर्यटन स्थल के तौर पर माना जाता है। हर्षिल में गंगा जी जिन्हें वहां भगीरथी कहते हैं, उनके तट पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास भगवान श्रीहरि की शिला है और इस लेटी हुई शिला के कारण ही इसे हर्षिल कहा जाता है। हर्षिल गांव के आसपास देवदार और भोजपत्र के घने जंगल हैं। इसी क्षेत्र के जंगलों का विल्सन ने अंधाधुंध दोहन किया। वैसे तो इस घाटी में आने के बाद विल्सन का मुख्य काम शिकार था। उसका मुख्य शिकार मीनाल पक्षी और कस्तूरी मृग होते थे, लेकिन वह भरल, तुतराल, काखड़, जो भी हिरण और अन्य पशु पक्षी जो भी आते उसे मार डालता था। इन जानवरों की खाले वह खुद ही सावधानी से उतारता था ताकि खराब न हो, और वह अपने सहायक शिकारियों व मुखबा गांव के लोगों को उनका मांस खाने को दे देता था। काफी मात्रा में कस्तूरी मृग की खाल जमा होने पर वह उन्हें मसूरी और देहरादून में बेच देता था। वह शिकार के लिए एक बार ही बहुत सारे मृग मार देता था। कहा जाता है कि वह जब खालों को सुखाता था तो वह दूर से गेहूं के दाने जैसे लगते थे। मृग झाल से पैसा कमाने के बाद उसका दिमाग वहां के देवदार के वनों पर गया। कहा जाता है कि हर्षिल में बसने के बाद बिल्सन ने गढ़वाल हिमालय में कस्तूरी मृग का शिकार करने के लिए विशेष रियायत के लिए पहले टेहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के समक्ष एक याचिका दी थी। राजा ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन बिल्सन को भविष्य में शाही ताबूतों के लिए राजस्व उगाने के स्रोत के रूप में उसे मान्यता दे दी। राजा ने बिल्सन से यह भी पूछा कि क्या वह अंग्रेज कुछ और करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। तब बिल्सन ने इस काम के बजाय लकड़ी की कटाई और व्यापार में विशेष रियायत देने का अनुरोध किया। उसका व्यापारिक दिमाग हिमालय के जंगलों को लेकर बड़ी योजना पर काम कर रहा था। उसने राजा से कहा कि वह लंबे एवं मोटे तने वाले देवदार के वृक्षों को काटकर वह उनकी कीमती लकड़ी मैदानों में बेचना चाहता है। राजा उसकी योजना सुनकर हंस पड़ा। राजा ने अचंभे से पूछा कि पहाड़ से लकड़ी को भला मैदानों तक कैसे ले जाओगे। बिल्सन मुस्काया और उसने अपनी योजना बता दी थी। राजा ने पहले तो 150 रुपये वार्षिक भुगतान पर पट्टा दे दिया, जो कि बाद में 400 रुपये हो गया। बिल्सन ने हिमालय के क्षेत्र पर व्यावसायिक इमारती लकड़ी के कारोबार की शुरुआत की और इस व्यापार ने उसे उत्तर भारत का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। दरअसल बिल्सन भगीरथी की जलधारा में देवदार की लकड़ी को बहाकर हरिद्वार तक ले गया था। उत्तराखंड के कठिन दुर्गम इलाकों के वनों का दोहन करने वाला और प्रदेश में कीमती इमारती लकड़ी को प्राकृतिक जलधाराओं यानी नदियों से बहाकर मैदान में ले जाने वाला वह पहला आदमी था। लंबे पेड़ों को काटकर वह गिरिया बनाता था और उन्हें बहाकर नदियों में के सहारे हरिद्वार तक ले जाता था। हरिद्वार पहुंचने में गिरी को 3 दिन और 3 रात लगते थे। तब पहाड़ में लकड़ी को चीरने के प्रबंध नहीं थे। इस तरह इस कार्य में बड़ी संख्या में मजदूर लगे रहते थे और यही समय था जब अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया था। अंग्रेजों को रेल के पटरी के लिए गुणवत्ता वाली लकड़ी की के स्लीपरों की मांग थी। विल्सन ने इसके लिए देवदार की लकड़ी उत्तराखंड से भेजी थी। इस तरह जंगल के पाटीदार के रूप में विल्सन ने हिमालयी क्षेत्र के जंगलों का अंधाधुंध दोहन किया। इन जंगलों में देवदार और भोजपत्र के पेड़ बड़ी तादाद में मौजूद थे। वह लगभग 15 वर्ष तक देवदार के जंगलों पर अपना कुल्हाड़ा चलाता रहा। उसने जंगलों को खाली कर दिया था। उसने चुन चुन कर सबसे बढ़िया माल उठा लिया और काटे हुए अधिकांश पेड़ों को जंगल की धरती पर सड़ने के लिए छोड़ दिया था। नॉर्दर्न फॉरेस्ट्री रेंजर्स कॉलेज की मैगजीन में SP साही ने सन 1961-62 के अंक में एक लेख लिखा था। उस लेख में कहा गया था कि बिल्सन द्वारा जंगल में छोड़े गए माल, वृक्षों के लट्ठे और पुराने ठूंठों के दूर दूर तक फैले कब्रिस्तान थे।
मौसम के विनाशकारी थपेड़ों की मार खाते हुए उन्हें लगभग एक शताब्दी का लंबा समय बीत चुका था। आज टकनौर, बालाहाट और भदरसू क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में एक समान मोटाई के तने वाले देवदार के नए वृक्षों की आज जो फसल खड़ी है उसमें अधिक उम्र वाले वृक्षों की पूरी तरह से कमी है। वो बहुत पुराने पेड़ वहां नहीं दिखते क्योंकि विल्सन सबको काट चुका था। इधर विल्सन के पास अकूत संपत्ति आने लगी थी। उसने हर्षिल, काठबंगला, उत्तरकाशी, धरासू, धनोल्टी, कांठाताल, झालकी और मसूरी में अपने बंगले बनाए। हर्षिल क्षेत्र में उसने कई रास्ते व पुल भी बनाए और यही नहीं, उसने अपना सिक्का भी चला दिया था। उसने 1, 2, 5 और 10 रुपए की मुद्राएं टोकन जारी किए थे। भगीरथी घाटी में इस फिरंगी राजा का वर्षों तक अघोषित राज्य रहा। लोग उसका आदर करने लगे थे, उसे राजा हुलसिंह भी कहने लगे थे। वह एक शिकारी के तौर पर आया था लेकिन वह हर्षिल का बेताज बादशाह बन गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लकड़ी के व्यापार ने विल्सन को इतना अमीर और शक्तिशाली बना दिया था कि टेरी गढ़वाल का राजा अपने विषयों की रक्षा करने में असमर्थ था, जिन्हें विल्सन ने क्रूरतापूर्वक हड़प लिया था। विल्सन के अपने सिक्के चलाने के बाद जब अंग्रेज अफसरों तक पहुंची तो उन्होंने जवाब तलब किया। विल्सन ने साफ कह दिया कि हम मुद्रा तो टोकन प्रणाली थी जो कि लोगों की सुविधा के लिए जारी की गई थी, इससे चोरी और लूट का खतरा नहीं रहता है। गढ़वाल के लोग विल्सन को सोना का सैथलो यानी सोने की चिड़िया कहने लगे थे। विल्सन मंगितू रामदास के परिवार का और उस गांव का अभिन्न अंग बन गया था। विल्सन की दो पत्नियां थी, दोनों मुखवा गांव से ही थी। सबसे सुंदर रायमता थी लेकिन उसके बच्चे नहीं हुए। उसके बाद ही सुमाग्री से की, जिसका नाम गुलाबी था, जिससे विल्सन को 3 बेटे पैदा हुए, नथानियल, चार्ल्स और हेनरी। हालांकि इसके उलट रोमेश बेदी लिखते हैं कि विल्सन ने मंगतू की बहन सुभदा से शादी कर ली थी लेकिन उसे संतान हो पर उसने मंगतू की ही बेटी से शादी कर ली थी। उसका नाम रायमिता था। उससे विल्सन की 3 संतानें हुई, चार्ली, एनरी उर्फ हेनरी व नथु। विल्सन का बेटा चार्ली विल्सन तीनों बच्चों में सबसे समझदार था। उसने पिता की कमाई से देहरादून और मसूरी में आलीशान भवन बनाए और वहीं रहने लगा था। मसूरी में उनका चार्ली बिला होटल तब बहुत प्रसिद्ध था। यह होटल लगभग आधी शताब्दी तक भारतीय और विदेशी लोगों की सेवा करता रहा। अब यही भवन लाल बहादुर शास्त्री भारतीय प्रशासनिक अकादमी है, जहाँ से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैयार होते हैं। विल्सन के बारे में इस बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों के पास नहीं है। बस लोग यही जानते हैं कि वह ब्रिटिश आर्मी छोड़कर भागा था और छुपने के लिए गढ़वाल के दूर दराज इलाकों में भगीरथी नदी के किनारे के गांव हर्षिल में उसने अपना डेरा जमाया था। यह हर्षिल गांव वही है जहां राज कपूर के राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसी हर्षिल में वह झरना है जिसमें मंदाकिनी के नहाने का दृश्य है। इसके अलावा विल्सन का हालांकि एक दूसरा पक्ष भी सामने आता है। हर्षिल को विश्व पटल पर लाने का श्रेय विल्सन को जाता है। इस घाटी में सेब का जन्मदाता भी उसे ही कहा जाता है। यहाँ बागवानी और उन्नत किस्म की कृषि की नींव भी उसी ने डाली। सेब, आलबुखारा, खुमानी और नाशपाती के कई बाग भी उसने लगाए। राजमा, आलू और गेहूं को भी भगीरथी घाटी में लाने का श्रेय विल्सन को ही जाता है। तो दोस्तों, यह थी फिरंगी राजा की कहानी, जिसने उत्तराखंड के देवदार के वनों का अंधाधुंध दोहन किया, पशु पक्षियों को मारा और खा गया। यदि आज के कानूनों की दृष्टि से कहें तो वह बेरहम व्यापारी था, शिकारी था। चंदन तस्कर बीरपन की तरह देवदार का कुख्यात व्यापारी था, पशु पक्षियों का बेरहम हत्यारा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत। अंत में एक और बात, आज हिमालय के जल, जंगल, जमीन और सभी संसाधनों पर इसी तरह के विल्सन कब्जा करके बैठे हैं। वे उनका दोहन कर रहे हैं और इन विल्सनों से हम सभी को सावधान होने की जरूरत है। जय हिमालय, जय भारत।